तो दोस्तों आज की मैच सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स होने वाली है, और मतलब यहाँ पे मैं बातें करूंगा, उसकी प्रेडिक्शन करूंगा, टीम एनालिसिस करूंगा दोनों टीमों की। उसके साथ ही साथ मैं बताने जा रहा हूँ मेरी प्लेइंग 11 क्या होगी, तो वीडियो आखिर तक देखते रहे दोस्तों। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात की जाए कल के मैच के बारे में, तो केएक्सआईपी वर्सेस आरसीबी हुई थी, तो मैं खुद आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था जब आरसीबी हारी थी, और मतलब ऐसी हारती है दोस्तों, बहुत ही मतलब मार्जिन रख के वो हार जाती है हमेशा। 97 रन से हारी है कल, तो काफी बड़ा चेस भी था, बट उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल उसमें केएल राहुल ने निभाया, और मतलब कैप्टन वॉज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो एक बेस्ट एग्जांपल रहा था कल के मैच के लिए। तो ऐसा अगर बोलो मतलब कि केएक्सआईपी की जगह पे केएल राहुल वन बाय 23 रन, वो भी मतलब उतना ही सही रहेगा। व्हाट अ क्लास शोन बाय केएल राहुल दोस्तों, यही एक बताऊंगा, और उसके चलते हुए उन्होंने जीत हासिल की। और उसके साथ ही साथ जो बॉलर्स ने अच्छे एरियाज पे बॉल डाली है, और मतलब उसके साथ साथ जो विकेट्स निकाले हैं पहले पहले के एक्सआईपी के बॉलर्स ने, तो वो काफी सही था, और मतलब काफी डेंजरस बॉलिंग अटैक देखने को कल मिला है हमें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के प्रेडिक्शन, आज के टीमों के बारे में, उनकी टीम एनालिसिस करूंगा दोनों टीमों की, सीएसके एंड दिल्ली कैपिटल्स की। उसके साथ ही तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा मेरी प्लेइंग 11। तो चलो दोस्तों बिना डेमेज के शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर, और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्ट एलिक बेसर। जैसे कि आपका सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ डेली वीडियो आपके समझाता रहता हूँ, जिसमें क्रिकेटर्स का इंटरव्यू जो होता है मतलब जो मैंने लिया है वो भी आपके साथ शेयर कर किया है, और उसके साथ साथ आगे भी करता रहूंगा। तो जो कि आप मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके समझाता रहूँ इसके लिए। तो चलिए दोस्तों बिना डर से शुरू करते हैं। तो अगर बात की जाए सबसे पहले तो सीएसके की, तो मैं बताऊं आपको कि मतलब दो तीन प्लेयर्स वहां पे सीएसके के ऐसे कि क्या मतलब थोड़े से रिप्लेस करने की अभी इस मैच में जरूरत है, इस जिनमें एक नाम है दोस्तों जो लुंगी एनगिडी, तो काफी एक क्लास अच्छा है वो प्लेयर के। बट दोस्तों अगर बात की जाए दोनों मैचेस की, तो मतलब पहले मैचेस में थोड़े से विकेट भी लिए थे, बट दूसरे मैच की अगर बात की जाए तो जोफ्रा आर्चर ने बहुत ही लंबी लंबी छक्के मार के उनकी पिटाई की थी, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लूज हुआ होगा डेफिनेटली उस दोस्तों। तो आज के मैच में मैं रखना चाहूंगा उनके जगह पे इमरान ताहिर को, तो बाकी पूरा जो स्क्वाड है वो वही के वही रहेगा। और अगर मतलब थोड़ा सा यही रहेगा कि मतलब एक थोड़ा सा कोई अगर फॉरेन प्लेयर निकाल के अगर इमरान ताहिर को उनके जगह पे रखे तो वो एक देखने को एक थोड़ा सा रहेगा, बट मैं इमरान ताहिर के जगह पे मैं रखना चाहूंगा शार्दुल ठाकुर को एज अ पेसर बॉलर, क्योंकि दो ही प्लेयर पेसर बॉलर, एक तो दीपक चहर और दूसरे जो है वो शार्दुल ठाकुर, ऐसे में खेलना चाहूंगा। और पीयूष चावला की जगह पे मैं रखना चाहूंगा इमरान ताहिर को। तो दोस्तों देखेंगे कि आज के मैच में क्या होती है प्लेइंग 11। और उसके साथ ही साथ दोस्तों जो धोनी मतलब बाकी जो टीम है वो बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, और मतलब अंबती रायडू थोड़े से सीख है, तो मतलब थोड़े से बीमार होने के कारण वो थोड़े से चले गए प्लेइंग 11 से बाहर। तो अगर वो बैक टू एक्शन आते आज तो डेफिनेटली वो एक उनके लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि पिछले मैच में जैसे कि आपको सबको मालूम है कि बिना रायडू के वो 200 तक मतलब पहुंचे थे, बट रायडू की थोड़ी सी कमी जरूर हुई थी, महसूस हुई थी दोस्तों। उसके साथ ही साथ मैं ऋतुराज गायकोड़ को अब ऑर्डर प्रमोट करना चाहूंगा, और मतलब वन डाउन उनको खेलना मतलब खिलवाना चाहूंगा। उसके साथ ही साथ धोनी को टू डाउन मैं खिलवाना चाहूंगा, अगर मेरी प्लेइंग 11 होती तो मैं धोनी को टू डाउन रखता, ऋतुराज गायकोड़ को वन डाउन रखता, और शेन वॉटसन और मुरली विजय के साथ ओपन करता दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की, तो मतलब काफी अच्छे से जीत हासिल की थी उन्होंने पहले ही मैच में, तो मुझे नहीं लगता कि कौन से मतलब चेंजेस देखने को आज हमें मिलेंगे। थोड़े से एक मतलब मैं पर्सनली चाहता हूं कि पृथ्वी शॉ अपने खेल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दे, बहुत ही कैलिबर है उनके पास, बट जल्दी मतलब जल्दबाजी में थोड़े से आउट होते, लंबे लंबे छक्के मारने के चक्कर में थोड़े से आउट होते, खुद को टाइम देने की उनको जरूरत है, और मतलब आज के मैच में देखते कि क्या होता है। बट बाकी जो मतलब उनकी जो पूरी प्लेइंग 11 है वो सेम रहेगी दोस्तों। दोस्तों आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आज कौन सी टीम जीतेगी और आप कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो आज दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद है और मेरे चैनल पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियोस आपके सामने रहता हूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।